हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टइंडीज सेंट लूसिया टी10 ब्लास्ट के 21वें मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा ग्रॉस एसलेट कैनन ब्लास्टर वर्सेस बबूना लेथर बक्स के बीच। ठीक है, मैच की टाइमिंग है 9:30 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 18 अप्रैल 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो डेरेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में मैच खेले जा रहा है, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस पिच है और बैटर और पेस बॉलरों को यहाँ पर मदद है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 110 से लेके 120 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड देखें इस सीज़न में तो लगभग 20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 7 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 13 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। यानी बैटिंग सेकंड करने वाली को इस वेन्यू पर एडवांटेज है, चेजिंग करने वाली इस वेन्यू पर जीतती है। ठीक है, वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे। इसके अलावा ECS फ्रांस की जो टी10 सीरीज चल रही है उसमें भी सारे वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें भी आपको एक अच्छी टीम बनाने में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, इसीलिए वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि दोनों टीम के बारे में सही से पता पड़े। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इस मैच में टॉस अपडेट है, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जावे। बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, कोई नया प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट, साथ ही जो हमारी फाइनल टीम होती है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। पहले बात करते हैं ग्रॉस एसलेट कैनन ब्लास्टर्स की, जिसने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेले हैं, 3 मैच इनकी टीम जीती है और 2 मैच इनकी टीम हारी है। ठीक है, ओवरऑल रिकॉर्ड बढ़िया है इस टूर्नामेंट में इस टीम का। ठीक है, लास्ट मैच के प्लेइंग 11 के हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है, इसीलिए बात करते हैं लास्ट मैच में कौन कौन ओपनिंग करने आया था। तो इन्हों के साथ ओपनिंग करने आए थे केमानी मिल्यूस के साथ में आया था जॉर्ड गॉडमैन। ठीक है, यह दोनों इस टूर्नामेंट में ओपनिंग कर रहे हैं, तो कल भी यही थे बैटिंग ऑर्डर में। बात करते हैं केमानी मिल्यूस की, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैच में 168 रन बनाए 38 की एवरेज से। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको इग्नोर नहीं करना, अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है और ओपनिंग कर रहा है तीनों ही सभी मैचों में। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिलेक्शन आप देख सकते हैं 95% इसका सिलेक्शन है। साथ के साथ अपन टीम भी बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको पता पड़ जाए कौन सा प्लेयर किस वजह से अपन सेलेक्ट करते हैं। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करते हैं, टी10 के 15 मैच में 375 रन बनाया 25 की एवरेज से, तो दोनों जगह बढ़िया परफॉर्मेंस है और इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपने लिए। ठीक है, उसके बाद जेरेड गॉडमैन, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैच में 100 रन बनाया 25 की एवरेज से। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये भी अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 12 मैच में 84 रन है 8 की एवरेज से। ओवरऑल रिकॉर्ड इतना खास नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो यह एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा बल्लेबाजी सेक्शन में। 86% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, इसके बाद है नियोल लियो, जिसने 5 मैच में 109 रन बनाए, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 24 मैच में इसने 299 रन बनाए 15 की एवरेज से। मस्ट पिक प्लेयर है विकेट कीपिंग सेक्शन से, अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है, साथ ही आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट भी प्रोवाइड करवाएगा, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, और वाइस कैप्टनसी भी दे सकता है जब इसकी टीम चेजिंग करे। ठीक है, क्योंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट देगा और फर्स्ट डाउन बैटिंग करके देगा आपको। इसके बाद है तेरिक एडवर्ड, जहाँ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसकी वजह ये कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करी थी पिछले मैच में, पिछला मैच ही खेला था जिसमें 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई थी और विकेट लेस गया था, भले 0 पर आउट हो गया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहा है, 2 ओवर की गेंदबाजी करवा रहा है, विकेट लेस गया है। ठीक है, सिलेक्शन की बात करें इस प्लेयर का, सिलेक्शन अपने को देखने को मिल सकता है मात्र 11%। ठीक है, T20 का रिकॉर्ड, T10 का रिकॉर्ड आपके सामने है, 13 मैच में 15 की एवरेज से 59 रन बनाया, 26 ओवर की गेंदबाजी करी, 6 विकेट लिए, यानी बैटिंग से कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूट करे नहीं करे, लेकिन बॉलिंग आपको कन्फर्म 2 ओवर की करा के देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद है ट्रायल किटो, जिसने 5 मैच में 98 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करी, 4 विकेट लिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लगभग 20 की एवरेज से रन बना रहा है, साथ ही आपको हर मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करवा रहा है जिसमें विकेट लेके जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन देखेंगे तो 87% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, इसका ओवरऑल रिकॉर्ड T20 का, जिसमें 11 मैच में 206 रन बनाए, 32 ओवर की गेंदबाजी करी, 13 विकेट लिए, दोनों जगह बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, इस टूर्नामेंट में और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद है मैगरन सल्वट है, जिसने 3 मैच में 6 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 2 विकेट लिए, बॉलिंग कंफर्म करा रहा है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन देखें तो सिलेक्शन मात्र 26% है। ठीक है, इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे, 13 मैच में 18 की एवरेज से 158 रन है, 21 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 8 विकेट लिए, मस्ट पिक प्लेयर है और आप इसको जरूर ट्राई करना।
ठीक है, चेजिंग में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि चेजिंग में बैटिंग आने की उम्मीद कम रहेगी इसके। ठीक है, अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो अपन इसको ट्राई करेंगे, वरना रिमूव कर देंगे। इसके बाद है डोमिनिक अगस्टिन, जिसने 5 मैच में 10 रन बनाए, ओवरऑल रिकॉर्ड देखकर 4 मैच में 95 रन 23 की एवरेज से बनाया, तो कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद है ली जोन, जो भी पिछला मैच ही खेला था, खाली नया प्लेयर था पिछले मैच में, जिसने 2 रन की पारी खेली, 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई, विकेट लेस गया। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 5 मैच में 14 ओवर 4 विकेट है, तो इसको भी ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन मात्रा इस प्लेयर का, ली जोन का सिलेक्शन मात्र 7% है, ठीक है, लेकिन 2 ओवर की पिछले मैच में गेंदबाजी करवाई है। अगर इसकी टीम गेंदबाजी करे पहले तो आप मैगनन की जगह ली जोन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है रियान गॉडमैन, जिसने 5 मैच में 7 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 4 विकेट लिए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है ये भी इस टीम की तरफ से। सिलेक्शन देखे तो इसका सिलेक्शन आप देख सकते हैं 43% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद इसका ओवरऑल रिकॉर्ड 4 मैच का है, जिसमें 20 रन बनाए। इसके बाद है जेड्रिनल क्रैल, जिसने पहला मैच ही खेला था जिसमें 18 रन बनाया था, खाली बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट करा था, बॉलिंग उसको नहीं मिली थी। ओवरऑल रिकॉर्ड 4 मैच में 6 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट है। इसके बाद है डेरविन फोर्ड, जिसने 5 मैच में 10 ओवर की गेंदबाजी करी है, 5 विकेट लिया, यानी कन्फर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है और अच्छी खासी गेंदबाजी करवा रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड 5 मैच में 17 ओवर की गेंदबाजी 5 विकेट है। इसका सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन 72% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। जो भी इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है सभी को अपन ने ट्राई कर लिया। अब आपको अगर इस टीम से कोई प्लेयर ड्रॉप करना है, सामने वाली टीम के ज़्यादा आपको लेने की करनी है ट्राई, तो आप मैगन सेलवटे और ऊपर से जॉर्ड गॉडमैन, इन 2 प्लेयरों पे आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। बाकी पे आप रिस्क मत लेना अगर इस टीम से आप कम प्लेयर लेने का सोच रहे हो तो। बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी है। लगभग 6 प्लेयर है, इनमें से 6-7 में से जो भी खेलेगा उसके स्टेट्स हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। बात करते हैं दूसरी टीम की, बबूनाओ लेथरबक्स की, जिसने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेले और इनकी टीम भी 3 मैच जीती है और 2 मैच इनकी टीम हारी है, ठीक है। लास्ट मैच के प्लेइंग 11 के हिसाब से हमने प्लेयर सेट कर रखे हैं, ठीक है। पहला प्लेयर है डैन एडवर्ड, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैच में 92 रन बनाए, इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये भी, ओपनिंग कर रहा है हर मैच में, ठीक है, लेकिन सामने अच्छी गेंदबाजी हो सकती है, तो अगर इसको ट्राई करना है तो अपन ने यहाँ से देखो कैमानी मिलुस लिया है, जेड गॉडमैन, दोनों ओपनर है, तो एक ओपनर को किसी को भी आप ड्रॉप कर सकते हो, तो यहाँ से जेड गॉडमैन को ड्रॉप करके अपन डैन एडवर्ड को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। जब इनकी टीम, जिसकी टीम भी पहले बैटिंग करेगी उस प्लेयर को अपन ले लेंगे, बैटिंग नहीं चेजिंग करेगी, ठीक है। अगर जेड गॉडमैन की टीम चेजिंग करती है तो अपन इसको ट्राई करेंगे, डी एडवर्ड की टीम चेजिंग करती है तो अपन इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन जेड गॉडमैन लेते हैं। इसके बाद है जेनुअल इंगेन, जिसने 5 मैच में 179 रन बनाए, 37 की एवरेज से 3 ओवर की गेंदबाजी करी है, विकेट लेस गया है, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, लगभग 37 की एवरेज से इस टूर्नामेंट में रन बना रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 24 मैच में 268 रन, 19 की एवरेज से 25 ओवर की गेंदबाजी 11 विकेट, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन इसका 97% है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो, ठीक है, इस प्लेयर को। इसके बाद है जे एंटनी, जिसने 5 मैच में 74 रन बनाए, 9 ओवर की गेंदबाजी करी, 5 विकेट लिए, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से इस टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 12 मैच में 79 रन है, 11 की एवरेज से 18 ओवर की गेंदबाजी है, 12 विकेट है। इसके बाद जैकरी एडमुड, जिसने 4 मैच में 54 रन बनाए, 2 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, यह भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो अगर इसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से जैकरी एडमुड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन भी आपके सामने इसका 89% है, ठीक है। इसके बाद है सर्विन जोसेफ, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैच में मात्र 48 रन बनाए, बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बैटिंग पोजिशन नीचे है, फर्स्ट बल्लेबाजी में इसको ट्राई करना है, सेकंड बल्लेबाजी में तो बिल्कुल इसको ट्राई नहीं करना है। T10 का रिकॉर्ड की बात करें, 16 मैच में 326 रन है, 40 की एवरेज से 11 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 6 विकेट लिए। उसके बाद है क्लब थॉमस, जिसने 5 मैच में 24 रन बनाए, 5 ओवर की गेंदबाजी करी है, 2 विकेट लिए खाली, तो बॉलिंग सभी मैचों में नहीं करवाई, हर मैच में लगभग 1 ओवर की गेंदबाजी करवाता है। सिलेक्शन देखो तो सिलेक्शन मात्र सिलेक्शन हाई है इसका 70%, ठीक है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि बैटिंग पोजीशन नीचे और बॉलिंग भी कंफर्म 2 ओवरों की नहीं करवा रहा है। इसके बाद है एल्विन लूफिलू, जिसने 2 मैच में 7 रन बनाए, ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 16 मैच में 22 की एवरेज से 132 रन है। उसके बाद है संजय हेले, जिसने 5 मैच में 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए और 6 रन बनाए, यानी बॉलिंग तो करवा रहा है लेकिन इस गेंदबाज को विकेट कम मिल रहे हैं। आप ओवरऑल रिकॉर्ड भी देख सकते हो, 8 मैच में 12 ओवर की गेंदबाजी है, 3 विकेट है, उस जगह भी बॉलिंग अच्छी खासी करवाई है, विकेट कम मिले, और इस टूर्नामेंट में भी बॉलिंग करवा रहा है लेकिन विकेट कम मिले। उसके बाद एक क्वीनी हेनरी, जिसने 5 मैच में 7 रन बनाए, ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 8 मैच में 40 रन है 20 की एवरेज से। उसके बाद है नियम रेसमुड,
जिसने 5 मैच में 10 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 5 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 11 मैच में 19 ओवर 3 विकेट है, तो बॉलिंग यह भी अच्छी खासी करवा रहा है। सलेक्शन देखें तो सलेक्शन इसका 87% है। इसके बाद है डेविन इगन, जिसने 5 मैच में 6 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, मात्र 2 विकेट लिए, यानी कन्फर्म सभी मैचों में 2 ओवर की गेंदबाजी नहीं करवा रहा है, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें 5 मैच में 10 ओवर 2 विकेट। जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है सभी के बारे में अपन डिटेल में बात कर लिए। बेंच की बात करें तो बेंच पर से 4 प्लेयर हैं, 4 में से कोई भी खेलेगा तो उसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, ठीक है। बात करते हैं टीम की, तो टीम कुछ इस प्रकार निकल के आ रही है। अब इसमें से आपको कौन से प्लेयर हटाना है, ठीक है, वो प्लेयर बता देता हूँ जो आपको रिस्क ले सकते हो उन प्लेयरों पर जिनका सिलेक्शन हाई है। तो एक प्लेयर है यहाँ से मगेन सेल्वर्ट है, ठीक है, आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा एक है जेरेड गॉडमैन, इन 2 प्लेयरों को आप रोटेट करके, और यहाँ से डी फॉर्ड, इन 3 प्लेयर, ठीक है, ज़्यादा डी फॉर्ड को आप रिमूव मत करना, सिलेक्शन हाई है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। और आज के इसकी एडवांटेज ये है डी फॉर्ड की, क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करवाने आता है, तो डी फॉर्ड को अपन नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बाकी के जो 9 प्लेयर है आप इनको सभी टीमों में रखना, और जो 2 प्लेयर बचे हुए हैं उसमें आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। जितने भी बचे हुए प्लेयर हैं जो भी प्लेइंग 11 में हो गए उनमें आप रोटेट करके टीमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसमें किसी में इन 2 को डाल लिया, किसी में एक बॉलर एक इसको डाल दिया, ऐसे करके रोटेशन चला के आप टीमें क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल के लिए अपन सेफ जाते हैं क्योंकि डेमो टीमें खाली, तो जेरेड गॉडमैन को ले लेते हैं, और यहाँ से अपन ने जिसको भी ले रखा है ठीक है, चलो ठीक है, डिफॉल्ट ले रखा है। बात करते हैं टीम की, तो टीम इस प्रकार निकल के आई है। कैप्टनसी की बात करें तो जे इंग्यून इस मैच में कैप्टनसी का बहुत बढ़िया चॉइस है, ठीक है। इसके अलावा आप इस मैच में ज़्यादा अगर ऑलराउंडर को बनाना, क्योंकि दोनों अच्छी टीमें हैं, तो ऑलराउंडर के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करने का अच्छा मौका होगा, ठीक है। तो इस मैच में सबसे बढ़िया कैप्टनसी का चॉइस है जे एंटनी, इसके अलावा टी रॉय, ठीक है। इन दोनों में से आप, इन 2 के अलावा आपको कैप्टन वाइस कैप्टन और कोई नहीं रखना है इस मैच में, ठीक है। जेड एंथनी एंटनी और इसके अलावा टी किटॉय, इसके अलावा कैप्टन मत रखना। वाइस कैप्टनसी में आप भले जे इंग्यून, केमानी मिल्यूस, एम लियोन किसी को भी रख सकते हो, लेकिन कैप्टन इन 2 प्लेयरों के अलावा आपको किसी को नहीं रखना इस मैच में, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन जे एंटनी को कैप्टन बना देते, टी किटॉय को वाइस कैप्टन बना देते, क्योंकि जे एंटोइन और टी किटॉय लगभग 3-4 पर बैटिंग करते हैं, साथ ही आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी देंगे। आप चाहो तो इसको स्वाइप भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रैंड लीग में, रिस्की ग्रैंड लीग में अगर कोई कैप्टन सोच रहे हो, तो आप तारिक एडवर्ड को बहुत बढ़िया चॉइस है, क्योंकि कंफर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है और साथ ही आपको बल्लेबाजी भी नंबर 4 पर करके देगा। तो ग्रैंड लीग की कुछ रिस्की टीमों में आप इन 2 को, जैक ग्रीनवुड और टी एडवर्ड को वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हो। फिलहाल के लिए अपन टी एडवर्ड, जे एंटनी और टी किटॉय को कैप्टन बना, वाइस कैप्टन बना देते हैं, और या खाली डेमो टीम में फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल पर हमारी फाइनल टीम प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, धन्यवाद।